हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। आपका मैं अपने चैनल नूर देसी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की वीडियो है दोस्तों, ये मैंने कल अपनी दुकान का टूर करवाया था और आज हमारी दुकान का सामान आया है, कुछ मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, ख़त्म हो गया था, तो आज मैं आपको अपनी दुकान का सामान दिखाऊँगी। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सामान हमारा दोपहर को ही आ गया था और अभी हमने उसको 4-5 घंटे मतलब गेट के बाहर ही रख दिया था, क्योंकि उसको सामान को अच्छी तरह से धूप लगनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आजकल कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा खतरा है कि हमें एक एक कदम संभल कर रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने अपने सारे सामान को बाहर ही धूप में रख दिया है कम से कम 4-5 घंटों के लिए और अब हम उसको अंदर लाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारी दुकान का जो सामान आया है। एक बोरी आपको दिखाती हूँ, अभी 3 बोरियाँ हमारी बाहर पड़ी हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या सामान आया है दुकान का। दोस्तों अब देखिए, मैं अपनी जो हमारी दुकान का सामान आया था मैं उसमें से सारा सामान निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं बोरे में से अब शैम्पू निकालूंगी जो कि क्लिनिक प्लस और सनसिल्क है, और अब मैं तेल की बोतल, सरसों का तेल है, और एक एक लीटर की पहले 2 बोतल निकालूंगी, और ये सारा एक एक लीटर का बोतल है, मैं इनको पहले ऐसे ही बाहर रख लूँगी, और अब ये मैं 1/2 लीटर की बोतल निकाल रही हूँ। दोस्तों ये धूप है, इसको मैं ऊपर ही रख रही हूँ, नीचे नहीं रख रही, इसलिए अब मैं इधर 1/2 लीटर की जो तेल की बोतल है उसको निकाल रही हूँ। और ये देखिए, ये सारा सरसों का ही तेल है, और ये अब डालडा घी है जो कि 1/2 किलो का पैकेट है गगन का, और ये सभी 1/2 किलो के है, क्योंकि हमारी छोटी सी दुकान है इसलिए इधर फिर हमारे ग्राहक भी उसी तरह के हैं जैसे छोटे हैं, मतलब मिडिल क्लास ही जैसे हम हैं वैसे ही वो है, इसलिए इधर छोटा छोटा सामान ही ज़्यादा लगता है। और देखिए अब ये इनो है, इनो की बॉक्सेस को भी मैं निकाल लूँगी और इनको भी रख दूँगी। और दोस्तों जो ये सामान है तेल की बोतल, अब इनको मैं अंदर रैंक में सेट कर लूँगी। ये देखिए मैं सभी बोतल्स को सेट करके रख रही हूँ, ऐसे ही मैं अपना सारा सामान सेट करती जाऊँगी। और ये इनो है, ये डालडा घी है, और ये मेरे हस्बैंड अब दूसरी बोरी एक्टिवा पर से लेकर आ रहे हैं, और अब ये बोरी को खोलेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं खुलती, इसको इसकी गांठ होती है, उसको काटना ही पड़ता है कैंची से। और देखिए अब मैं इस अपने थैले में से भी सारा सामान निकाल रही हूँ। ये पहले रामदेव का नमक निकाल रही थी और अब टाटा सॉल्ट का निकाल रही हूँ। ये रामदेव का, बाबा रामदेव का 10 रुपये वाला पैकेट है, और ये 2 पैकेट आप देख रहे हो ये दलिए के पैकेट है, और ये इधर 10 वाला कोलगेट है। ये पूरी लड़ी ही मिलती है हमको ऐसे ही बंद, और ये सर्फ एक्सल के 1/2 किलो के पैकेट हैं। ये देखिए अब ये मैं अब उस थैले में से बेसन निकालूंगी, क्योंकि बेसन अभी पता ही आपको कि लॉकडाउन है तो तला हुआ ज़्यादा ही चलता है, इसलिए बेसन इस बार इकट्ठा ही काफ़ी सारा ले आए हैं, क्योंकि फिर बार बार जाना भी थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए अब एक बार हमारा सामान आ गया। और ये कपड़े धोने वाला छोकरा साबुन है, और ये नहाने वाले सेट है। ये देखिए ये सारे नंबर 1 के सेट है, और ये लाइफ बॉय है, और अब ये डिटॉल भी आ गया है कि, और इस छोकरे साबुन को भी मैं ऐसे ही रख दूंगी, और फिर इन सभी सामान को अब नीचे रैंक में सेट कर दूंगी, जहाँ जहाँ जो सामान रखा होता है वहीं पे सेट कर दूंगी। ये देखिए ये मैंने साबुन भी सेट कर दिए, और फिर ऊपर जो इधर थोड़ा सा सामान सेट कर रही हूँ, और अब अगली बोरी थी उसमें से ये चावल निकाल रही हूँ और उनको मैं साइड में कर देती हूँ। और ये 5 किलो का आटा है जो कि गेहूँ का आटा है, और ये सारी बोरियों को मैं आटे की इन सभी को मैं रख लूँगी, तो फिर इनको फिर बाद में ही सेट कर दूँगी, पहले ये छोटा मोटा सामान सारा ही मैं निबेड़ लूँगी। ये देखिए ये सारा आटा मैंने सेट करके रख दिया। दोस्तों ये है मेरी दुकान का सामान। अगर आपको वीडियो मेरी ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें।
दोस्तों एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर दें। धन्यवाद।